लेकिन बेटा पहले एक छोटा सा पॉइंट जो डाउट में आया है अभी, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, कि चार्ज की मूवमेंट जो है वो कहां से कहां होती है। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है आपको। मान लो एक बॉडी है आपके पास एक्स, ठीक, जिस पर की इस तरीके से, और एक बॉडी है वाई, इस पर भी पॉजिटिव है बट कुछ इस तरीके से। जहां बॉडी पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इस बॉडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि भाई देखो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा यूज किया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा यूज किया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो अगर बॉडी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? दैट इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहां लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जहां हाई पॉजिटिव चार्ज है, वी विल कॉल इट एज द हाई पोटेंशियल। इसी को हम क्या नाम देते हैं वहां पर? हाई पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और अगर यहां पर हम देखें भाई x के रिस्पेक्ट में मैं y को देखता हूं तो y पर पॉजिटिव चार्ज कम है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम है इसका मतलब क्या हुआ? कम इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम लूज किए इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो ये बॉडी जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वी कॉल द बॉडी एज लो पोटेंशियल। तब इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी जो कैसे है? लो पोटेंशियल है। अब याद करो एक प्रॉपर्टी वो करती थी डिफ्यूजन, कि अगर हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एक में कंसेंट्रेशन कम है, जब तक कनेक्ट नहीं कर रहे तब तक कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही कनेक्ट कर देंगे so the movement will take place from the region of higher concentration to the region of lower concentration as it is yahan hoga। jab tak dono bodies ko hum connect nahi kar denge na tab tak kuch nahi hone wala, but jaise hi hum dono bodies ko kya kar de, connect kar de, so hum logo ne kya kara, in dono bodies ko ek wire ke through jod diya, to ek electrical contact develop ho gaya। ab jaise hi electrical contact develop hua to electron from the region of higher concentration will start moving towards the region of lower concentration। तो हमारे पास पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑलवेज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां जाएगा बेटा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने क्या चेक करी? यहां पर इनिशियल चार्ज था ज्यादा और यहां पर इनिशियल चार्ज था कम, ठीक है? बट जैसे ही इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू किया तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और डेवलप होना शुरू हुआ। बॉडी ऑलरेडी पॉजिटिव थी, अब और ज्यादा पॉजिटिव होने लगी। इसका मतलब यहां पर फाइनल चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। बट इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां आ गए, तो बॉडी एक्स ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। बॉडी एक्स ने अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पहले कैसा था और अब कैसा डेवलप होना शुरू हुआ? नेगेटिव। तो वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा? कम। इसका मतलब इस बॉडी पर फाइनल चार्ज क्या हो गया? तो देखो यहां ज्यादा था, अब इधर कम था, अब यहां कम और यहां, तो चार्ज यहां से यहां मूव करेगा। आया समझ? सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? चार्ज always travels from high potential to low potential। कि चार्ज हमेशा कहां से कहां जाए? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है, और कोई डाउट? चलिए आगे। ठीक, ओके, सो मुझे एक बार बताओ लास्ट क्लास में आपका आखिरी टॉपिक क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है ना। अब देखो आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, सो लेट्स बिगिन द गेम विद
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको ई सी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चीजें समझना ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये लिया हमारे पास पॉइंट को और यहां पर एक चार्ज है क्यू, तो ये चार्ज हमें गिवन है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें कि अगर हमने कोई दूसरा चार्ज कंसीडर किया, से किस लोकेशन पर, से द लोकेशन इज ए, और यहां हमने ले लिया टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का नेचर भी क्या होगा पॉजिटिव, ये क्यू नोड जो है वो क्या है, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस कर सकता है बेटा, फोर्स। तो उस रीजन को, इस रीजन को हमने क्या नाम दिया, वी कॉल इट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नाम दिया हम लोगों ने। अब एक चीज सोचो, जो फोर्स लगेगा, जो ये क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई, अगर ये बहुत क्लोज हुआ, अगर हमारा क्यू नॉट इस क्यू के क्लोज है, डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम लगेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स भी, तो उस फोर्स की स्ट्रेंथ होगी कि वो फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या वो फोर्स कितना ज्यादा वीक है, या वो फोर्स कितना ज्यादा मॉडरेट है। हाँ यार, ठीक। सो दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसकी स्ट्रेंथ को ही हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ आया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे करा जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर हम उसे डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो कैसे लिखा गया भाई, फोर्स एक्टिंग एंड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये रखना नहीं है, ठीक है, ये पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपको क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा चार्ज आएगा जिस पर फोर्स लगेगा। भाई फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नोट। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमने, क्यू नोट। मान लो क्वेश्चन में टर्म चल रही है क्यू वन एंड क्यू टू, हमारा तो क्यू नोट रहेंगे। हमने कहा Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, तो फोर्स किस पर लगा, Q2 पर। तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखो, Q2। आया समझ। तो रटना नहीं है कि F by Q0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है F by Q0, बट जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि फोर्स को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो कौन से चार्ज से डिवाइड करोगे जिस पर फोर्स लगेगा। सो फिलहाल इस सिचुएशन में जो फोर्स लगा वो किस पर लगा, Q0 पर। तो इस वजह से हमने क्या लिखा, F by Q0। समझ आएगा, पक्का क्लियर है, ध्यान से आ गया ना। अब देखो ध्यान से बेटा, भाई हमने कंसीडर किया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक। भाई जो पॉइंट O पर चार्ज है और जो पॉइंट A पर चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस कितना ले लिया, r ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम फोर्स को कितना लिखेंगे, के मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये ही रहेगा। नो बेटा Q1 Q2, इट्स Q एंड Q0, रिप्लेस करते हैं, तो व्हाट विल बी F, दिस इज K Q Q0 एंड बाय r स्क्वायर, और उठा के इस फोर्स को यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो जैसे ही रिप्लेस करा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बनेगा, K Q Q0 बाय r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दिस Q0। Q0 से Q0 cancel, what will be the electric field, K Q by R square। आया समझ। तो ये formula बना electric field intensity due to a
कॉइंट चार्ज। अगर हमें एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा, के इनटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। समझ आया नहीं? यहाँ पर वो चार्ज है जिसकी वजह से फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा, क्यू की वजह से। तो इस फॉर्मूले में कौन सा चार्ज आएगा, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, जिसके लिए, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, किसी चार्ज की थी ना, आया समझ? ठीक है, दो फॉर्मूले, पहला इट इज इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, जो पहला फॉर्मूला है किसकी टर्म्स में, फोर्स की टर्म्स में। जब तुमने लिखा फोर्स की टर्म्स में तो फॉर्मूला है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। तो जब तुमने लिखा फोर्स बाय चार्ज तो डिनोमिनेटर में चार्ज आ, तो डिनोमिनेटर वाला चार्ज कौन सा है, जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर तुमने फोर्स की वैल्यू पुट अप करी तो तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला बना, ये वाला। अब इसमें जो चार्ज आया वो कौन सा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, जिसमें फोर्स लगा है। समझ आई कहानी पूरी, पक्का क्लियर हुआ चीजें? श्योर। अब देखो ध्यान से बेटा, इसकी यूनिट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, एक याद रखोगे न्यूटन पर कूलम और एक याद रखोगे वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो यूनिट्स, पहली कौन न्यूटन पर कूलम और दूसरी कौन वोल्ट पर मीटर, याद रहेगा सभी को। फिर दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। द क्वेश्चन इज क्यों, आपने इसे वेक्टर क्यों कहा, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां डायरेक्टेड होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ आएगा, पक्का क्लियर होगा, अच्छे से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बताइए प्रॉपरली, ठीक। देन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रियल फॉर्मूला है आप यूज तो वही करेंगे जो हमने पीछे लिखे बेटा, बट स्टिल जब हम इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हैं तो इस तरीके से E वेक्टर इज लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो एंड F वेक्टर बाय Q, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में यही सब चला रहा है, ठीक है, बट जब प्रॉपर फॉर्मूला लिखा जा रहा है तो किस तरीके से लिखा जा रहा है, इस तरीके से लिखा जा रहा है। और यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, What does it signify? ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में लिमिट्स पढ़ते हो तो बताओ जरा, वहां पे जब आप लिमिट्स पढ़ते हो तो उसमें होता है जैसे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो उसका मतलब क्या होता है, पुट कर सकते हैं ना, प्रॉपर मतलब क्या है उसका। जैसे यहां पर हमारे पास है क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, तो Q नोट टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या, ये Q नोट की वैल्यू जो है वो लगभग जीरो के बराबर होगी, है ना, ये बोले ना ये लगभग जीरो के बराबर होगी। आ जाओ बेटा, चलो जल्दी से बैठवा, ठीक। अब लगभग जीरो के बराबर होगी इसका मतलब क्या है, कि उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, हाँ ना। तो अभी जो ये Q नोट टेंड्स टू जीरो बन रहा है इसका मतलब क्या है, Q नॉट का साइज इज वेरी स्मॉल, Q नॉट का जो साइज है वो क्या है, बहुत ही छोटा, ठीक है। अब समझो, हमने कहा इस चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें कि एक टेस्ट चार्ज
अपने ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी ना, है ना भाई, फोर्स इसने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी। अगर इस चार्ज का साइज बड़ा हुआ तो इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो वो भी तो इस पर फोर्स लगाएगी, तो उस समय हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्यूरेटली मेजर कर सकें, ठीक, तो उस वजह से हमें इस चार्ज के साइज को क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा, समझे। तो आंसर में हमें क्या लिखना होता है, हम आपने क्या पॉइंट समझना है कि Q naught tends to zero क्या सिग्निफाई करेगा, कि Q naught का साइज क्या रहेगा, बहुत छोटा। जब Q naught का साइज बहुत छोटा होगा, so it will not affect the electric field of given charge, तो वो हमारे given charge की electric field को किसी भी तरीके से affect नहीं करेगा, और हम अपने गिवन चार्ज की, हम अपने सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी आराम से, बड़े प्यार से एक्यूरेटली मेजर कर सके। समझ आया नहीं है, कर पाएंगे पक्का? तो ये पॉइंट हमें याद रखने, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हो जाएगा। चले अगले पॉइंट से, बहुत ध्यान देना है सब लोगों ने, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां से कुछ डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस में एमसीक्यू में रीजनल रिजर्वेशन में काम आते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पहले तो बेसिक मतलब पता होना चाहिए, पॉइंट्स में तैयार करो। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज है। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूस इमेजिनरी कर्व, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक तरीके का कॉन्टिन्यूस इमेजिनरी कर्व है, ठीक, जिसमें क्या होगा, टेंजेंट टू विच at any point will gives the direction of electric field intensity। समझो, कोई भी इमेजिनरी कर्व, ठीक है, जिस पर कि अगर आपने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर आपने क्या बनाया, एक क्या बना लिया, टेंजेंट बना, और ये जो टेंजेंट बनाया ये आपको क्या दे देता है, वहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ऐसा हो गया तो इस इमेजिनरी कर्व को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ध्यान रखनी है पहले तो, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कोई भी इमेजिनरी कर्व जिसमें कि अगर एक पॉइंट में हमने बनाया टेंजेंट, तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो उस इमेजिनरी कर्व को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। पहला पॉइंट याद रहेगा, श्योर। अब इसमें कुछ बेसिक डायग्राम्स बना करके इसे समझना आपको, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कैसे होती है बेटा, इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, हमेशा कैसे रहेगी, ऐसे बाहर की तरफ रहेगी। अगर आप बनाते हैं इसे एक नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कैसे होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप बनाते हैं एक ऐसे अरेंजमेंट के लिए जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, एंड इन सच अ वे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी हो, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, इस तरीके से।
पॉजिटिव से रहेगी कैसे आउटवर्ड, और नेगेटिव से कैसे रहेगी बेटा, इट विल बी इनवर्ड। समझा? ठीक। फिर हमें बनानी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी आगे चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे बेटा। ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट हर जगह पर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनाई जाती है? इस तरीके से, ऐसे सिर्फ पैरेलल नहीं बनानी, पैरेलल बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही समझ आया, क्लियर हो गए, पक्का अशोक, क्लियर बेटू? ठीक। अब यहीं पर इस तरीके से भी देखो एक चीज, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है बेटा हमारे पास इस तरीके से। ठीक। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, और यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। जब फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, और जब फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। देखो आपने भी फॉर्मूला बनाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, के इनटू चार्ज, के इनटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भाई जहां फील्ड के बीच में डिस्टेंस कम हुआ वहां फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है तो वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग, और जहां फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया वहां फील्ड क्या हो जाएगी, वीक। जहां फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया वहां फील्ड लाइंस क्या हो गई, फील्ड क्या हो गई, वीक। ये डायग्राम्स क्लियर है? ठीक। इसी तरीके से आपके पास होता है बेटा सिचुएशन, बोलेगा वो आपको दैट अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस आर देयर, क्यू वन एंड क्यू टू, विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम पोलैरिटी। भाई अगर क्यू वन 2 माइक्रो कूलम तो क्यू टू भी 2 माइक्रो कूलम, क्यू वन पॉजिटिव तो क्यू टू भी पॉजिटिव, इस तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट आता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा इसे, तो ये Q, ये भी Q। अब सोचो अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगी, हाँ ना? और अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं जितने डिस्टेंस तक यहां होगी उतने ही डिस्टेंस तक, हाँ ना? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा बिल्कुल बीच में, इस तरीके। ठीक। एंड पॉजिटिव से फील्ड क्या होती है, इस तरीके से आउटपुट, पॉजिटिव से फील्ड क्या है, आउटपुट ऐसे कर, ध्यान रखना जब तुम ये डायग्राम बना रहे हो तो जितनी फील्ड लाइंस तुम लेफ्ट में बनाओगे उतनी ही फील्ड लाइंस तुम्हें कहां बनानी है, राइट साइड बनानी है। अगर हमने जैसे कि अभी अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, अब माना जाएगा अगर अनइक्वल कर दी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या पता वो यहां सिचुएशन ऐसा कुछ बोल दे आपके पास कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्जेस हैं और इस तरीके से
मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम पोलैरिटी, भाई है तो दोनों पॉजिटिव, बट एक मैग्नीट्यूड में बड़ा है और दूसरा मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है उसकी फील्ड ज्यादा, और जो मैग्नीट्यूड में छोटा है उसकी फील्ड कम। तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है उसकी फील्ड ज्यादा दूरी तक होगी, और जो मैग्नीट्यूड में छोटा है उसकी फील्ड कम दूरी तक। तो जैसे पहले बिल्कुल ठीक बीच में था, अब बीच में ना होकर के सेंटर ऑफ सिमेट्री शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो समझो भाई, पॉजिटिव से ही बनाएंगे ऐसे, ठीक। अब क्या करो, जो चार्ज बड़ा है वहां फील्ड लाइन ज्यादा, और जो चार्ज छोटा है वहां फील्ड लाइन कम, इस तरीके से, ठीक है। सो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव से क्या कर देना है, ऐसे करके पॉजिटिव से क्या कर देना है, इस तरीके से आया समझ में, क्लियर हुआ। सेम डायग्राम्स बनेंगे नेगेटिव के लिए, पूरा कंसेप्ट सेम रहेगा, फर्क इतना आएगा जो आपने अभी फील्ड की डायरेक्शन बनाई है बाहर की तरफ उसे काम कर देंगे अंदर की तरफ, समझ आई बात। इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम्स तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, समझ आई बात। अब कुछ पॉइंट्स है थ्योरेटिकल, ठीक है, उनको भी समझेंगे ध्यान से बैठा यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर हैव सडन ब्रेक्स। भाई कैन नेवर हैव सडन ब्रेक्स का मतलब क्या हुआ, दैट इज कैन नेवर बी डिसकॉन्टिन्यूस, कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगी, उनमें सडन ब्रेक्स नहीं है। ऐसा क्यों, अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाया कहां जाता है, दो चीजें, बनाया किसके लिए जाता है, चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि बनाया किसके लिए जाता है, तो किसके लिए बनाया जाता है, चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि बनाया कहां जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आप वहीं को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना पाओगे। देखो ऐसा क्यों कहा, हम लोगों ने कहा था ना कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इमेजिनरी कर्व जिस पे कि अगर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो दैट टेंजेंट गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे रहा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर होगी, हां या ना, ऐसे चीज। सो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाया कहां जाएगा, इन अ फील्ड रीजन, वो कहां बनाया जाएगा, इन अ फील्ड रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हूं, ठीक। अब सोचो अगर हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे बनाने की वजह बीच में ऐसे डिस्कॉन्टिन्यूटी दी, तो जहां डिस्कॉन्टिन्यूटी दी इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब सोचो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाया कहां जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। इफ वी आर सेइंग कि दिस रूम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, अगर मैं कहता हूं कि ये रूम जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को, इसका मतलब इस रूम के अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है।
डिस्कॉन्टिन्यूस कर दिया। डिस्कॉन्टिन्यूस करने का मतलब क्या हुआ, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इज इट पॉसिबल कि एक फील्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में कभी भी सडन ब्रेक नहीं होता। आई बात समझ में? तो जब अगर हमें डिस्क्रिप्टिव में वन मार्कर में अगर कहीं लिखना पड़ जाए या हमें रीजन बात रीजन पता होना चाहिए, तो क्या पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई किसके लिए जाएगी? चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बनाई कहाँ जाएगी? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर बनाई जाएगी। और अगर हमने डिस्कॉन्टिन्यूस कर दिया तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। ठीक। और इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए। एक सिंपल, तिजोरी का मतलब भाई इसमें खजाना है। अगर उसमें कोई खजाना नहीं है ना, तो मेरे को तिजोरी एक सब बॉक्स होगी। एक बिया सही कि हाँ भाई ये पानी की बॉटल है, तो इसका मतलब कंडीशन है, इसमें पानी होना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता है पानी की बॉटल, फिर सिंपली इट्स अ बॉटल होगी। हाँ ना? तो एज इट इज, इफ वी आर सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। और अगर हमने लाइन को डिस्कॉन्टिन्यूस करा तो वहां वैल्यू कितनी होगी? जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कंसेप्ट समझ आया? श्योर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है दैट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। भाई देखिए, सपोज एक फील्ड लाइन है ए बी और एक फील्ड लाइन है सी डी, और हमने इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराया। तो अगर इंटरसेक्ट कराया तो एक पॉइंट पर अगर देखा जाए ए बी इसके लिए टेंजेंट इधर आएगा और सी डी इसके लिए इधर आ जाएगा। एक ही टाइम पर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इस वजह से दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर करा तो जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पे? एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आई समझ? लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगी। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप क्यों नहीं बनेगी? तो एक प्रॉपर्टी याद करनी है आपको, इंडक्शन। और इंडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी। मैग्नीट्यूड में इक्वल, पोलैरिटी में अपोजिट। ठीक है। अब होगा क्या? देखो, मेरे पास एक ही बॉडी और हमने कहा इस बॉडी के अंदर है पॉजिटिव चार्ज। तो जो चार्ज अंदर हमने कहा है ना, वो कायदे से अंदर नहीं होगा। वो चार्ज हमेशा कहां बियर करेगा? सरफेस पर। प्रॉपर्टी है चार्ज नेवर रिसाइड्स विद इन द बॉडी, इट ऑलवेज अपीयर ओवर द सरफेस। चार्ज कभी भी बॉडी के अंदर नहीं रह पाएगा, वो हमेशा कहां बियर करता है? सरफेस पर अपीयर करता है। ऐसा क्यों भाई? मान लो हमने कहा चार्ज अंदर है, ये है प्लस क्यू। इस प्लस क्यू से अंदर वाली सरफेस पर कितना आएगा? माइनस क्यू। और इस माइनस क्यू से बाहर वाली सरफेस पर कितना आएगा? एज पर द एडिटिव नेचर, पढ़ाया हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कैसा होता है? एडिटिव। ये दोनों के दोनों कैंसिल होके अंदर कितना चार्ज बना देंगे?
और सारा का सारा चार्ज जो बचा वो केवल कहाँ रह जाएगा? सरफेस पर। हाँ है ना, क्लियर हुआ है बात? नहीं बता रही। देखो मान लो मेरे पास ये एक शेल है, इस शेल के सेंटर पे एक चार्ज है पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम का, तो कहने के लिए हमने ये बोल दिया कि वो चार्ज के अंदर है, पर होगा नहीं। क्यों? देखो इस पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम से अंदर वाली सरफेस पर कितना आएगा? माइनस 10 माइक्रोकूलम, और इस माइनस 10 माइक्रोकूलम की वजह से बाहर वाली सरफेस पर कितना आएगा? प्लस 10 माइक्रोकूलम। हाँ, इंडक्शन इक्वली एंड अपोजिटिव। मान लो यहां चार्ज है प्लस 10, प्लस 10 से ये मैंने ये रख दिया, प्लस 10 से यहां कितना आएगा? नेगेटिव 10, और इस नेगेटिव 10 से यहां कितना है? पॉजिटिव। आई समझ? सो भाई अब अगर अंदर देखा जाए, इस शेल के अंदर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? जीरो। बचा कौन? सिर्फ बाहर, मतलब जो चार्ज अंदर था वो अंदर नहीं रहेगा, वो फाइनली कहां अपीयर करेगा? सरफेस पर। सिंपल सा लॉजिक है, मान लो हमारी डाइट अच्छी है, हम बाहर का जंक फूड ये सब चीजें नहीं खाते, तो जितने भी हम नीट एंड क्लीन डाइट लेंगे तो वो हमारे स्टमक के अंदर है, हमारे लीवर के अंदर है, बट उसका इफेक्ट कहाँ नजर आएगा? हमारी स्किन पर। सो वट एवर इनसाइड विल अपीयर ओवर द सरफेस। आई बात समझ में? तो चार्ज भले ही हमने कहा अंदर है पर वो अंदर टिकेगा नहीं, फाइनली कहाँ अपीयर करेगा? क्लियर हुआ है? पक्की बात? चले आगे। ठीक, ओके। अब इसकी वजह से होगा क्या? देखो हमने देखा कि जब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ बनाई जाती है? जहां फील्ड हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं बनाएंगे। मैंने कहा ये रही एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये रही एक नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये रही हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब जो फील्ड लाइन बनाएंगे तो हम ऐसे बना लेंगे ना, सरफेस टू सरफेस। क्या हम अंदर बनाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो जब अंदर फील्ड ही नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं। तो अब देखो क्या ये क्लोज लूप बन रहा है? दैट्स व्हाई व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और भी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि चार्ज नेवर रिसाइड्स विद इन द बॉडी, चार्ज कभी भी बॉडी के अंदर नहीं रुकता, वो हमेशा कहां होता है? सरफेस पर। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से शुरू होती है और